मानसून आ गया, फिर बहुत हेयर फॉल होंगे यार, अब क्या करूं। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है तो आपने बिल्कुल सही चैनल को चूज किया है। हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, मैं शकुंतला आपको आज बताने वाली हूँ मॉनसून के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, जिससे आप अपने हेयर फॉल को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है, वैसे थोड़े बहुत हेयर फॉल हमें थ्रू आउट द ईयर होते रहते हैं, बट मॉनसून में हमारा नॉर्मल हेयर फॉल से 30% एक्स्ट्रा हेयर फॉल होते हैं, क्योंकि मॉनसून के जो वेदर होते हैं वो हमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं, वो हमारे हेयर रूट्स के लिए बिल्कुल भी सपोर्टेबल नहीं होते हैं। सो, हम और भी बहुत सारे टिप्स जानते हैं जिससे हम अपने हेयर फॉल को कम कर सकें और अपने हेयर ग्रोथ को स्ट्रांग कर सकें। चलिए, एप्लीकेशन हमारे 30% एक्स्ट्रा हेयर फॉल को बहुत हद तक कम कर सकता है। सो, आइए हम और भी बहुत सारे टिप्स जानते हैं जिससे हम अपने हेयर फॉल को कम कर सकें और अपने हेयर ग्रोथ को स्ट्रांग कर सकें। चलिए, एक्चुअली होता क्या है, जनरली इस मौसम में कोई भी ऑयलिंग करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वेदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चिपचिपी होती है और इस वेदर में ऑयलिंग करना और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। बट प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि ऑयलिंग इस वेदर में ही करना है। वैसे ही वेदर हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, हमारे हेयर को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो इनफैक्ट ये सबसे सही टाइमिंग होता है हमारे हेयर को और स्ट्रांग बनाने के, क्योंकि हम कीजिएगा आफ्टर ऑयलिंग के बाद हेयर कोम नहीं कीजिएगा, फिर उसके बाद जब आप हेयर वॉश करते हैं हेयर वॉश के बाद कोम कीजिएगा। करना क्या है, आप कोई भी ऑयल प्रिपेयर कर रहे हैं, वो कोकोनट ऑयल हो, आलमंड्स ऑयल हो, या कोई भी मिक्स ऑयल करके हम अगर लगा रहे हैं, तो हमें उसे हल्का सा गुनगुना कर लेना है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गर्म कर लेना है, थोड़ा सा गुनगुना कर लेना है। तो उससे क्या होगा, और हल्के अपने इस टिप से, फिंगर टिप से हल्के हल्के मसाज करना है, तो और मतलब जस्ट बहुत ज़्यादा रब नहीं कर लेना, हल्के हल्के मसाज करना है। इससे हमारे फॉलिकल हेयर को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड होगी। और एक चीज़, हेयर को कोम नहीं, नो हेयर ड्रायर, बट प्लीज़ नो, मानसून सीजन में कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस हम नहीं कर सकते हैं अपने बालों के ऊपर। आप नॉर्मली पंखे के ऊपर सुखाइए, पंखे के नीचे सुखाइए, आप टॉवल से सुखा सकते हैं, या थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना होगा, क्योंकि अगर आप बाल ऑलरेडी वीक हैं, इसे आप और कितना परेशान करेंगे। परेशान करने से एक ही चीज़ हो सकता है, ये टूट जाएंगे या तो ये इसमें स्प्लिटेंस आने लगेंगे। हेयर मास्क, अब आप बोलेंगे कि हेयर मास्क कब अप्लाई करें, ऑयलिंग करना है फिर हेयर मास्क। देखिए, आप हफ्ते में 3 दिन शैम्पू करेंगे, तो क्या कीजिए ना, आप एक रूटीन बना लीजिए, एक दिन ऑयलिंग करना है, एक दिन हेयर मास्क लगाना है, फिर ऑयलिंग करना है। ऐसे करके आपका शेड्यूल बहुत अच्छे से चलेगा। हेयर मास्क कौन से लगाना है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग मास्क लगा सकते हैं, आप वेजिटेरियन हैं तो बनाना एंड हनी मास्क लगा सकते हैं। आप बनाना को क्या कीजिए, जब भी मैश करेंगे ना, मैश करके उसे एक साफ कपड़े में छान लीजिएगा, क्योंकि क्या होगा, उसकी जो भी ग्रैनुलर्स बालों में, अगर आप नहीं छानेंगे तो वो ग्रैनुलर्स हमारे बालों में फंस जाएंगे और वो बाल से इरिटेट करते हैं। तो हेयर मास्क भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अप्लाई करने के लिए, ताकि वो हमारे हेयर को स्मूथ रख सके, ज़्यादा फ्रिजी ना है। होलिस्टिक डाइट, अब इस मौसम में चाय पकौड़े खाने का तो बहुत मन करता है, खाइए, ज़रूर खाइए, लेकिन कोई जंक फूड नहीं खाना। आप ट्राई कीजिए कि आप जो भी मील ले रहे हैं वो घर का खाना हो, और जंक फूड नहीं लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा स्प्राउट्स हम ट्राई कर सकते हैं अपने खाने में, क्योंकि एक्चुअली हमारे हेयर के लिए विटामिन ई, पोटेशियम और आयरन चाहिए होता है, जो स्प्राउट्स में भर भर के होता है। तो हमें अपने रेगुलर मील में थोड़ा बहुत आप इसे ऐड ज़रूर कीजिए, स्प्राउट्स को, ये रियली हमारे हेयर के लिए। अगर विश्वास ना हो तो गूगल करके देख लीजिए, लेकिन मैं सही बोल रही हूँ। हेयर कंडीशनर, इस मौसम में जनरली हमें हेयर सीरम की, कंडीशनर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बट वेट वेट, मार्केट बेस्ड नहीं, हम DIY कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं, DIY प्री कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, हम फ्लेक्सी जेल यूज़ कर सकते हैं, जो रियली बहुत ज़्यादा इजी होता है लगाने का, लेकिन इसके फ़ायदे भर भर के रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्लेक्सी जेल पर वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं ज़रूर बनाऊँगी।
फ्लेक्सिड जेल यूज कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा ना, हमें हमारे हेयर को कंडीशनर तो मिलेगी, एट द सेम टाइम ये सेफ भी रहेंगे, क्योंकि मार्केट बेस अगर आप कंडीशनर अप्लाई करते हैं, अगर आप कंफर्टेबल है देन आप कर सकते हैं। मैं किसी को ऐसे रोक नहीं रही हूँ, बट अकॉर्डिंग टू मी वो कंडीशनर केमिकल बेस्ड कंडीशनर से ना आपके हेयर पर और ज्यादा होने लगते हैं। सो प्लीज नो मार्केट, नो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट यूज नहीं करना, जितना हो जाता है कीप योर हेयर कवर। अब बारिश का समय है, अभी नहीं वो भींगेंगे तो कब भींगेंगे, भींगे जरूर भींगे, बट प्लीज अपने हेयर को कवर करके भींगे, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है ना, आजकल के हमारे जैसे वेदर है, हम इसे गुड रेनफॉल नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर बहुत पोल्यूटेड है, तो ये हमारे बालों के लिए सही नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने ट्राई कीजिए, अगर बाहर निकल रहे हो, बारिश का मौसम आ रहा तो हेयर कवर कर लेनी चाहिए, अदरवाइज अगर आप भींग जाते हो तो घर आके माइल्ड शैम्पू या फिर जस्ट पानी से भी अपने बालों से वो बारिश के पानी को निकाल दीजिए, क्योंकि वो बारिश के पानी हमारे स्कैल्प के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होते। इस थ्रू आउट द सीजन हमें नॉर्मल सिंपल हेयर स्टाइल करने हैं, ज्यादा वो स्प्रे वाले, अपने हेयर को आयरनिंग ज्यादा नहीं करनी है, क्योंकि ऐसे करने से क्या होगा, हेयर ऑलरेडी बहुत ज्यादा वीक है और ज्यादा वीक हो जाएंगे। तो नॉर्मली आप बन बना सकते हैं, चोटी कर सकते हैं, नॉर्मल थोड़ी ढीली वाली प्लेट्स कर सकते हैं, ऐसे हेयर स्टाइल जिससे बाल ज्यादा घिंचे नहीं, वो ध्यान में रखना है। कहता है वॉश योर हेयर ऑफ्टेन, ऑफ्टेन कितना, अगर आप हफ्ते में दो बार करते हैं हेयर वॉश तो तीन बार किया कीजिए, क्योंकि इस वेदर में क्या होता है ना, स्कैल्प पे बहुत ज्यादा चिपचिपापन आता है, तो वो चिपचिपापन अगर हमारे स्कैल्प पे बहुत ज्यादा टाइम तक रहेगा तो वो हमारे हेयर के लिए रियली बहुत सीवियर प्रॉब्लम है, जो हमें रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है, पे रहता है, तो हमें ऑफ्टेनली उसे निकालते रहना चाहिए। आप माइल्ड शैम्पू यूज कर सकते हैं, आप हर्बल शैम्पू यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, डू नॉट टाई योर वेट हेयर। अब आप बोलेंगे एक तो ड्रायर से नहीं सुखाने दे रहे हो, वेट हेयर नहीं बांधने दे रहे हो। बहुत सारे टीनेजर्स ऐसे हैं जिन्हें कॉलेज जल्दी जाना होता है, स्कूल जाने होते हैं, तो वो भींगे बाल को बांध देते हैं। मैं आपको एक सही बात बोल रही हूँ, आप एक बार ट्राई कीजिएगा, भींगे बाल को बांध दीजिए, लेकिन आप थ्रू आउट द डे देखेंगे, शाम तक देखेंगे, बाल सूखेंगे ही नहीं, क्योंकि वेदर ऑलरेडी बहुत मॉइस्चर वाला है, उस पे से आपने भींगे बाल को बांध दिया, और वो भींगे बाल हमारे हेयर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, वो इनफैक्ट और डैमेज करेंगे। भींगे बाल अगर हल्के से भी थोड़े से खींचेंगे तो हमारे हेयर फॉल हो सकते हैं। सो ट्राई करना है बाल को सुखा के ही उसे ट्राई करना है। भींग से जिसे आप अगर अप्लाई करते हैं तो रियली आपके हेयर फॉल नहीं होंगे, मैं आपको गारंटी देती हूँ नहीं होंगे। बट हाँ, एक चीज को हमें प्लीज अपनी लाइफ में लाना है, स्ट्रेस फ्री। अगर आप स्ट्रेस फ्री हैं तो आप कुछ भी अप्लाई करेंगे, कुछ भी आप अगर अपने हेयर के लिए करते हैं, कुछ भी आप अपने हेल्थ के लिए करते हैं, वो एक पॉजिटिव वे में आएगा। बट अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो आप कितने महंगे प्रोडक्ट, फ्री रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ढेर सारा प्यार दीजिएगा चैनल को। थैंक यू।